top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और अभी तक केंद्र सरकार ने उसको मंजूर करके नहीं भेजा है। ये 6 मई को भेज दी गई थी, 6 मई की शाम को दो नाम भेज दिए गए थे साहब के यहाँ पे, और एक सप्ताह से ज्यादा हो गया अगर वर्किंग डेज के हिसाब से भी देखें, टोटल 10 दिन हो गए। ये बड़ा सरप्राइजिंग है, तो हम इसको जानना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार की क्या वजह है, कोई बता भी नहीं रहा क्या वजह है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल में किसको रखेंगे ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है, और एक चुने हुए आदमी को कैसे यूज करना है मंत्रिमंडल में ये मुख्यमंत्री का फैसला होता है। तो इसको क्यों रोक के रखा हुआ है, और संविधान की अवहेलना करने करके दिल्ली की सरकार को क्यों पैरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल मैं केंद्र सरकार के सामने रखना चाहता हूं कि मंत्री सरकार को चाहिए, और 10 दिन हो गए अब तक रखा नहीं है, इस पर मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के केंद्र के पास इसकी क्या पावर है और केंद्र ऐसा क्यों कर रहा है, 10 दिन से ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसा क्या संवैधानिक मसला है जिसपे विचार किया जा रहा है, ऐसा क्या इशू है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अरिजी, इससे क्या कोई कम्युनिकेशन हुआ है या फिर मुलाकात करने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि दो मंत्रियों ने 6 तारीख को जब लेटर भेजा था उसके बाद में उन्होंने कुछ मंडे को ही टेक्निकल लैंग्वेज पे इशू किया था, उसको रेटिफाई करके शाम तक भेज दिया गया था, इसलिए मैंने कहा एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया, ऐसे तो टेक्निकली 10 दिन हो गए लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का पूरा समय हो गया। अभी तक मंत्री दो मंत्री शामिल करने हैं, और अब पानी का भी क्राइसिस है दिल्ली में जी, तो इसको देखते हुए बहुत जरूरी हो जाता है। सर, आपने बात की है पानी वाले मसले पे भी, आगे मंडे ये कल वाले मंडे को ये वापस गया, नहीं नहीं वो पिछले मंडे हाँ 7 तारीख को 8 तारीख पानी वाले वो हैंड टू हैंड करके पानी वाले पे भी आपकी बातचीत हुई, तो अभी मैंने कहा देखिए पानी को लेके शुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में, पानी का अपना प्रोडक्शन तो है नहीं, कोई नेचुरल सोर्स नहीं है, या तो जमीन से पानी लेंगे या यमुना से लेंगे या कैनाल से लेंगे, वहां से आती है कैनाल जो हरियाणा से पानी आता है। दिल्ली का करीब 80 एमजीडी पानी रोक के रखा हुआ है, कम किया है, कोर्ट में कोर्ट के आदेश है दिल्ली को पूरा पानी सप्लाई करने के लिए, एडिक्वेट सप्लाई करने के लिए, उसके बावजूद रोक के रखा हुआ है। हमारे पहले ऑफिसर्स बात कर रहे थे हरियाणा के ऑफिसर्स से, कल मैंने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप बात करके बताइए, वहां से भी अभी कोई जो हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी है वहां से कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। मैंने एलजी साहब से भी कहा है कि ये मसला पॉलिटिकल है, इसमें पीएमओ को इंटरव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीएमओ ने इंटरव्यू नहीं किया तो दिल्ली के लिए पानी मुश्किल हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें, क्योंकि पीएमओ भी दिल्ली में ही है, केंद्र के सारे मंत्री भी दिल्ली में रहते हैं, केंद्र के सारे ऑफिसर्स दिल्ली में रहते हैं, सिर्फ दिल्ली के जो नई दिल्ली के बाहर के नागरिक हैं उनके लिए पानी की समस्या का मसला नहीं है, तो पूरी दिल्ली के लिए मसला है। इसको बियॉन्ड पॉलिटिक्स पीएमओ भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, मैंने इन्वॉल्व होने की जरूरत है। मैंने एनडी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि ऑफिसर्स लेवल पर, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर बात हो चुकी, बात बन नहीं रही है, और अगर पानी का एक क्राइसिस रहा तो गर्मी के इस मौसम में पानी की कटौती फिर हमें सेंट्रल एरियाज में भी करनी पड़ेगी। रिपोर्ट आई है ज्यादा दिक्कत है, कोई रिपोर्ट आई है कि मैंने सभी ऑफिसर्स को बुलाया 4:30 बजे पूरे पानी की बैठक करेंगे, रिपोर्ट आ रहा है आपको उसके बाद देता हूँ। सर, बिजली की कट पर भी क्या कहना है आपको, क्योंकि बिजली भी कट रही है एक एक घंटे तक, वो तो बिजली कहीं अगर ट्रांसफार्मर और लोड शेडिंग की वजह से, लेकिन बिजली के कोई कमी नहीं। अमूमन पाइप कितने दिन में आ जाती है? सर, 25 साल के इतिहास में अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि इतने दिनों में फाइल जी मंत्री जी, 6 महीने में मंत्री का पद खाली था, सरकार तो चली रही थी,